विजयदशमी के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के विजय जुलूस के मार्ग पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। गौरतलब है कि महंत योगी आदित्यनाथ का विजय जुलूस गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर होते हुए रामलीला मैदान तक पहुँचता है, जहाँ मुख्यमंत्री राम दरबार की आरती उतारते हैं। शोभा यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौर, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी सोनम कुमार व पीएसी आरएएफ की टीम व पुलिस फोर्स मौजूद रहा। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि शुक्रवार को निकलने वाले मुख्यमंत्री के विजय शोभा यात्रा के मार्ग का निरीक्षण किया गया है। एसएसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री के शोभा यात्रा की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, सिंगल गाड़ी अंदर जाएंगे। ताऊ जी क्या कार्यक्रम लेडी जी सर फिर मन पर सीधे और ये के सामने कोई ना अनुरोध है यहाँ पर हम महाराज जी की बड़ी कृपा हो गई, पिछले 40-45 साल से नाम लीला करा रहे हैं, 45 ईयर्स में
जी, इसमें मुख्यमंत्री जी का जो यात्रा निकलने वाली है रथ यात्रा, उसके लिए आज ट्रायल किया गया है। इसमें सभी अधिकारीगण मौजूद हैं जनपद के, और इसमें तमाम पुलिस बल लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस, ATS, RAF, जो हमें LIU का पुलिस बल है, सिविल पुलिस बल है, सभी लगा है। और यहाँ पर आयोजकों से वार्ता भी की जा रही है। पूरे कार्यक्रम को CCTV कैमरा के निगरानी में रखा जाएगा, और अलग अलग दो कंट्रोल रूम बने हैं जहाँ से निगरानी की जाएगी, और इसमें सुरक्षा संबंधित तमाम सावधानियाँ बरती गई हैं।